नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टीवी इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकास खंड विजय ग्राम पंचायत राजगढ़। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये समुदाय शौचालय जो बना हुआ है राजगढ़ में, राजगढ़ की पंचायत में, तो आपको समुदाय शौचालय की स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी इन लोगों के मिली भगत के द्वारा ये जो समुदाय शौचालय है इसमें किस तरह से घोटाला किया जाता है और लगातार ये घोटाले किए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको और भी चीजें बता दें कि यहाँ पे जो लोग शौच करने के लिए ग्रामीण आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मोटर की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है। वो लोग अपने घर से जब पानी लेकर आए तब इसमें शौच करें। ऐसी क्या समस्याएं हैं जो इसमें इतनी ज्यादा गंदगी फैलाई जा रही है और यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही। यहाँ पे ग्राम प्रधान जो है वो सूरजपाल मौर्य हैं। तो आइए हम वो स्थिति दिखाने का प्रयास करते हैं समुदाय शौचालय के आगे। आप देख सकते हैं इतने ज्यादा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और ये गंदगी लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से ये समुदाय शौचालय जो है ग्राम पंचायत राजगढ़ के अंदर बनी हुई है और समुदाय शौचालय की स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर हालत हो गई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो मोटर फूका है ये लगातार 2-3 महीने हुए जा रहे मोटर फूके, लेकिन आज तक इसका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ, जिससे यहाँ पे जो शौच करने के लिए लोग आते हैं वो लोग इसमें आए और यहाँ पे शौच करें उनको पानी प्राप्त हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। तो इधर आपको हम गेट दिखाने का प्रयास करते हैं, ये समुदाय शौचालय का जो गेट है वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये गेट आप देख सकते हैं कि इसमें अगर जो कोई हाथ लगा दे तो हो सकता है ये गेट तुरंत गिर जाएगा, लेकिन इसमें रखा किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मोटर रखा गया है और ये मोटर लगातार जो ग्रामीण है आइए उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, ये समुदाय शौचालय खुलता है या नहीं खुलता है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। पहले तरह नाम बताओ। राम ये बताइए, समुदाय शौचालय चलता है या नहीं चलता? कहा पानी भरा रखा चले गए ना, तो उसमें पानी व्यवस्था है ना, कहर व्यवस्था है, क्या कहीं है। ये कितने दिन से ये समस्याएं हैं? ये लमसम 2 महीना रह जाते हैं। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण हैं और भी उनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, ये समुदाय शौचालय जो चल रहा है या नहीं चल रहा है, इतनी ज्यादा इसकी स्थिति जो है खराब है। विक्रम पाल, समुदाय शौचालय खुलता है? खुलता तो है। शौच करने के लिए जो लोग आते हैं उनको पानी कहाँ से प्राप्त होता? पानी बाल्टी भर लेते यहाँ से हैं, सब ले जाते हैं। इसमें मोटर लगा है? वो मोटर खुलता नहीं सर है। कितने दिन हो गई है? यही 10-15 दिन हो गए। 3 महीने से? 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक कोई ना। तो आप देख सकते हैं कि जो समुदाय शौचालय बनी हुई है उसकी आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर हालत में इसकी स्थिति है और यहाँ पे लगातार पैसे पे पैसा निकाला जा रहा है और लगातार इसमें कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है? तो आइए हम उसके अंदर का दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर जो साफ सफाई की जाती है वो किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई की जाती है और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि साफ सफाई जो है वो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। साफ सफाई तो यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उस प्रकार यहाँ पे साफ सफाई है। तो हमारे साथ यहाँ पे जो देख रेख करते हैं शौचालय की, यहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी है, उनसे भी जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पे ग्रामीण आते हैं जब शौच करने के लिए और क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं और क्या नहीं है। तो पहले नाम बताओ। ये बताओ यहाँ पे जो देख रेख के लिए लगाए गए हैं आप हैं यहाँ? वो हमारे मिसेज हैं। तो ये बताओ यहाँ पे जो है मोटर की व्यवस्था जो है पानी की व्यवस्था कहाँ से प्राप्त होती है? पानी जैसे यहाँ से बाल्टी लेते हैं, अंदर रखी हुई है, वो भी कुछ टूट गई है, कुछ बची है, तो वही बाल्टी जो है लेकर के वहाँ से पानी लेते हैं हैंड पाइप से अपना करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी कर जाते हैं तो उनको फिर हम लोग धोते हैं और क्या करें। ये बताओ आप लोगों ने अभी तक शिकायत नहीं की कि यहाँ पे मोटर की व्यवस्था नहीं है? नहीं, वो तो हमने कहा, प्रधान से भी कहा, सेक्रेटरी से भी कहा है। प्रधान कौन? प्रधान यहाँ के सूर्यपाल मौर्य हैं। सेक्रेटरी? सेक्रेटरी हैं शिव कुमार गौतम। अच्छा, उनसे भी कहा है लेकिन यहाँ पे कोई देख रेख नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो। कितने दिन हो गए ये मोटर? तो सर मेरे हिसाब से 3 महीने करीब में हो चुका है। हाँ, 3 महीने से देख रेख करते हैं, उसका पेमेंट मिल रहा है? मानदेय मिलता है? नहीं, मानदेय तो नहीं मिला है 8 महीने से करीब में। अच्छा, 8 महीने से? हाँ, 8 महीने से मानदेय तो नहीं आया है। तो
आप देख सकते हैं कि जो लोग देख रेख के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं, महिलाएं जो लगाई गई उनको 8 महीने हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मानदेय नहीं मिला। और ये स्थिति है, शौचालय के सामने आप देख सकते हैं कि पानी में पहले आइए, इसमें इतना ज्यादा यहाँ पे गंदगी है, घूरे कूड़ा इसी में सब पड़ा रहता है। और यहीं पे आप जब शौच करने के लिए आएंगे तो पहले चहले में आइए, पानी में आइए, उसके बाद में तब शौच करिए, पहले यहाँ से पानी भरिए उसके बाद में शौच करिए। अगर जो ये भी ना व्यवस्था हो तो आप खुले आसन मैदान में करिए, वही ठीक है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है कि यहाँ पे शौच करने के लिए आप 10 बार आएंगे, बस आपके पैरों में इतनी ज़्यादा सड़न पैदा हो जाएगी। आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इतना साफ पानी और जल भरा हुआ है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले वृक्षारोपण हुए हैं, यही ग्राउंड है वो वृक्षारोपण का, जहाँ पे अभी जब सोशल ऑडिट होगी पंचायत की, जब सोशल ऑडिट होगी जब ग्राम पंचायत की, तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इतने हजार के हमने पंचायत घर और समुदाय शौचालय के प्रांगण में इतने पेड़ लगवाए, लेकिन आप देख सकते हैं पेड़ यहाँ पे लगे और तुरंत काट दिए गए, क्योंकि वो हाईब्रिड पेड़ थे और लगातार बस तुरंत लगाए गए, तुरंत काटने वाले हो गए, लगातार वो कट गए। तो आप बने रहिए, हम आपको और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। आप भाई हम रोड जो यहाँ से निकलने के लिए जो रोड है उसके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ से जो निकलेंगे। तो कैमरामैन से कहेंगे भाई नीचे भी देखते रहना, नहीं तो पानी में गिर जाएंगे आप। ये गड्ढे आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे, ये पंचायत घर के सामने, ये पंचायत घर का गेट और ये गड्ढे और ये सब कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। क्या स्थिति है, जो यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती और ऐसी कोई व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं जिससे यहाँ पे साफ सफाई हो। और लगातार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हर जगह समुदाय शौचालय बनवा दिया है, स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन की आप देख सकते हैं चंद अधिकारियों के द्वारा किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपको पल पल की खबरें दिखाने का प्रयास करते रहें।